नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजडम फैक्ट में। मनुस्मृति में लिखी बातें पिछले कई सालों से विवादों की वजह बनती रही है। इसकी खास वजह यह है कि इसे हमेशा गलत इंटरप्रेट किया गया है। स्मृति का मतलब धर्म शास्त्र होता है। मनु द्वारा लिखा यह धार्मिक लेख मनुस्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति में केवल 12 अध्याय है जिसमें 2684 श्लोक है। स्मृति पे BBC की डॉक्यूमेंट्री के अनुसार ये किताब जातिवाद को बढ़ावा देने वाली किताब, जिसमें औरतों को सोशल राइट्स नहीं दिए जाते। BBC की डॉक्यूमेंट्री के अनुसार यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए अलग राइट्स और वैश्यों के लिए अलग टाइप के राइट्स हैं, और शूद्र और वैश्यों को यहाँ पिछड़े जाति का समझा जाता है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि व्हाट इफ आई से कि सनातन धर्म में किसी को भी पिछड़ा हुआ नहीं समझा जाता। एक्चुअली सनातन धर्म में कोई भी छोटी या बड़ी जाति का नहीं होता। ये हमारी मानसिकता है जो छोटी या बड़ी कही जा। सनातन धर्म के 4 क्लासिफिकेशन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के फायदे लिए हैं मनुस्मृति से, फिर वो चाहे राजनेता हो, दलित हो, मीडिया हो या संविधान बनाने वाले ही हो। पर किसी ने भी वास्तविकता में कभी ये नहीं बताया कि मनुस्मृति एक्चुअल में है क्या और इसके क्लासिफिकेशन किस बेस्ड पे, किस आधार पे कहे जाते। BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसमें उन्हें मनुस्मृति के बारे में बहुत सारे मिथ्स और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है, और उस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार उसमें बहुत से मिथ्स, बहुत से फैक्ट्स को ऐसे एक्सप्लोर किया गया है कि जिससे कंट्रोवर्सी होना लाजमी है, और उसे एक्चुअल में क्या था वो नहीं बताया गया। BBC का एलिगेशन था कि मनुस्मृति हिंदुओं का एक ऐसा स्क्रिप्चर है जिसने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। BBC का दूसरा एलिगेशन ये था कि उस समय बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, तो ब्राह्मणों को उस समय मनुस्मृति दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि आज से ये तुम्हारी लीगल बुक होगी जिसके बेस पे तुम्हें जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। BBC का थर्ड एलिगेशन ये था कि मनुस्मृति में वीमेन को स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाते, उन्हें इन राइट्स से हमेशा अलग रखा जाता है। कास्ट सिस्टम, लोग जो ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते हैं कास्ट, जाति, वर्चुअल में बहुत से लोगों को इसका बेसिक मतलब ही नहीं पता होता। कास्ट शब्द भारतीय शब्द है ही नहीं, ये हिंदू स्क्रिप्चर में कहीं भी आपको कास्ट शब्द देखने को नहीं मिलेगा। हिंदू स्क्रिप्चर्स में आपको दो ही शब्द मिलेंगे, जाति और वर्ण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कॉमन सोर्स ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड जाति। जैसे प्लांट्स हैं वो एक जमीन के अंदर से निकलते हैं, तो उनकी जाति एक ही है क्योंकि उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन एक ही होता है, सोर्स ऑफ बर्थ एक ही होता है। और कुछ जीव हैं जो अंडों से निकलते हैं, उनकी एक अलग जाति होती है। फिर इंसान हैं जो गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनकी जाति अलग हुई। कुछ चीज़ें हैं जो टेम्परेचर एंड कैलामिटी कंडीशन से निकलते हैं, जैसे वायरस, फीवर, कोल्ड, डिजीज और बैक्टीरिया जैसी चीज़ें, तो इनका एक अलग समूह होता है। अब भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। अब जैसे कोई शूद्र हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, तो शास्त्र कभी भी ये चीज़ नहीं कहता कि क्षत्रिय महान हो गया और शूद्र जो है वो नीची या पिछड़ी जाति का हो गया। एक्चुअली ये सब फंडामेंटल डिस्क्रिमिनेशन जो हैं ये हम ही लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, कभी जाने और अनजाने में ही क्रिएट किए हुए हैं, और वही कन्वेंशन सदियों से अभी तक चलती आ रही है। इसके लिए मानव जिम्मेवार है, भगवान या शास्त्र या मनुस्मृति इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। वो किसी भी मुद्दे पर ये चीज़ खड़ी नहीं उतरती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन जाति डिफाइन होती है। जैसे कि सनातन धर्म में 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर हम वैदिक स्क्रिप्चर के अनुसार देखें तो इन सबको एक ही जाति का माना गया है। डिफरेंट जाति मीन्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, बट कॉमन जाति इज वन, दैट इज ह्यूमैनिटी। और भगवान श्री कृष्ण भी तो भगवदगीता में यही कहते हैं कि इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होती है, ना कि जाति से कोई धर्म महान होता है और कोई धर्म नीचे होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 14.4 में कि संसार में जितनी योनियां हैं अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उनकी गर्भधारक माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। सो इन सच सिग्निफिकेंट मैनर एवरीवन इज वन जाति, तो इसमें ऊंच नीच भेदभाव की कोई स्थान ही नहीं है। अब जब भगवान ने ही कह दिया है कि प्रकृति तुम्हारी माता है और मैं बीज धारक पिता हूँ, तो बस कंट्रोवर्सी यहीं खत्म हो जानी चाहिए। हम तुम कौन होते हैं इस जातिवाद को बढ़ावा देने वाले, हम सब सनातनी हैं और यही हमारा मूल अस्तित्व है। अब जैसे रिसेंटली BBC ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये सब बताया, तो उन्होंने अपना पैसा कमाने के लिए या न जाने किस मंशा से ये सब चीज़ें गलत प्रेजेंट करी गई हैं, और ये ऐसे एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली सनातन धर्म सदियों सदियों से चला आ रहा है और ये सदियों सदियों तक चलता रहेगा, इसीलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा इस चैनल के माध्यम से हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हम आपको हमेशा सत्य से अवगत कराएं, न कि झूठ और फ्रेब से। सो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।